बिग बॉस 16 का प्रोमो आउट हो गया। वैसे आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। जो हमें कल के प्रोमो में दिखाया था वही आज के प्रोमो में भी ज़्यादा दिखा दिया गया है। और शालीन, शिव, टीना दत्ता, प्रियंका, अर्चना, निमृत, स्टैन, सुम्बुल, ये 8 सदस्य अब घर के अंदर हैं और नॉमिनेशन होने वाला है कल। आइए जानते हैं प्रोमो में क्या दिखाया गया है मेरे साथ यानी अडिमा के साथ, ओनली ऑन टेली खजाना। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हर बार बिग बॉस एक बहुत ही शानदार सेटअप के साथ करते हैं, वैसे ही इस बार भी जो सेटअप है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन नॉमिनेशन तो दर्दनाक होता है, तो वो दर्दनाक ही है। अब निमृत की टारगेट कौन हो सकती है? हमें सबको बहुत अच्छे से पता है कि निमृत की अब केवल एक टारगेट है, उन्हें टिकट टू फिनाले मिल गया है, तब भी वो प्रियंका के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं। तो निमृत ने प्रियंका को नॉमिनेट किया है ये कहते हुए कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी किसी की रिश्तों की बात नहीं करी है और इस तरीके का कुछ कमेंट किया है। हालांकि हमें बहुत अच्छे से पता है निमृत स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं प्रियंका से, और प्रियंका के पीठ पीछे एक पूरा प्रियंका हेट ग्रुप भी चलाती हैं। अभी वो शिव और स्टैन से ज़्यादा प्रियंका की गॉसिप नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने शालीन को पकड़ रखा है इस काम के लिए। आगे आते हैं, जो टीना दत्ता है वो ऑब्वियस था, शालीन को करेंगी नॉमिनेट, उन्होंने शालीन को नॉमिनेट किया है और बोला है कि वो बहुत ज़्यादा फेक हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसी वक्त शालीन ने कह दिया आई हेट यू टीना दत्ता, इतना क्लियरली तो उन्होंने आई लव यू टीना दत्ता नहीं कहा था, पर आई हेट यू निकल चुका है फाइनली। प्रियंका का नॉमिनेशन नहीं दिखाया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है प्रियंका भी शालीन को नॉमिनेट करेंगी, क्योंकि निमृत को वो नॉमिनेट कर नहीं सकती हैं अगर उनके पास अभी तक टिकट टू फिनाले है और जो टास्क दिखाया गया है वो पहले या बाद में हुआ है। और शिव और स्टैन को और सुम्बुल को नॉमिनेट करना मुझे ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ियत है, पहले शालीन को गेम से आउट करना चाहिए। तो अगर प्रियंका का गेम प्लान ये है, अर्चना का गेम प्लान ये है, तो यही देखने को मिलने वाला है। शालीन ने टीना को नॉमिनेट किया है और बोला है कि वो बहुत ज़्यादा फेक हैं, जिसके रिप्लाई में टीना उनसे कह रही हैं कि अभी तक तो आप मुझसे कहते थे कि आप मुझे तुम फेक नहीं लगती हो, और साथ ही में उन्होंने बोला है कि अब आपकी तबीयत सही हो गई। और इस तरीके से शिव ने नॉमिनेट किया है प्रियंका को और बोला है कि जिस तरीके से वो मजाक उड़ा रही हैं शालीन का, पर ये शिव भूल गए हैं शायद कि शिव भी उनका उतना ही मजाक उड़ा रहे हैं, बस शालीन के सामने वो कवर अप कर लेते हैं और उनको ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बहुत ह्यूमैनिटी लेवल्स में शालीन के साथ हैं, पर एक्चुअली शिव आप भी मजाक उड़ा रहे हो और आप भी पीठ पीछे बात कर रहे हो, आप ही वो इंसान थे जब उसने बुलाया था और जब भी वो कहीं आ रहा था बात करने के लिए तो आप धीरे से निकल जा रहे थे। तो अगर वही चीज़ अभी प्रियंका कर रही है तो वो गलत कैसे है? और अब कल देखने को मिलेगा कि एक बोर्ड है, 10 रिंग्स लगी हैं, उसमें से एक एक रिंग बाहर निकालनी है। ये टास्क दिया है बिग बॉस ने, अगर सब लोग आपसी सहमति से ये बन जाता है कि अब निमृत को टिकट टू फिनाले नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि निमृत के पास ही रहने वाला है टिकट टू फिनाले। ये बिग बॉस घर में भसड़ क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन टिकट टू फिनाले उनके पास ही रहने वाला है। तो ये पूरा प्रोमो में देखने को मिला है, और भी कुछ अगर प्रोमो से रिलेटेड आता है तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। तब तक देखते रहिए टेली खजाना, और अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।